हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल नई तरीके की नाश्ता। ये बिल्कुल अलग और डिफरेंट है, आप शायद इससे पहले कभी नहीं बनाए होंगे, बनाए भी होंगे तो तरीका अलग होगा। तो चलिए इस चटपटा और टेस्टी नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 कप मैदा ले लिए हैं। आप मैदा के जगह पर गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, इसका दूसरा नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप अपना टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। इन सबको डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल के जगह पर आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सबको हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही खास्ता बनता है। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। एकदम से पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा सॉफ्ट सा डो बनके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, डो को ढक कर रख देंगे रेस्ट पर। डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पर हम 2 उबला हुआ आलू ले लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। और अब इस नाश्ता को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं चीज़। तो चीज़ को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चीज़ के जगह पर पनीर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, चीज़ और आलू दोनों को हम कद्दूकस कर लिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक, इसे भी हम ग्रेट करके लिए हैं, यानी कि कद्दूकस करके लिए हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता, और 1/2 छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और यहाँ पर हम ले लिए 2 साबुत लाल मिर्च, इसे हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लिए थे। और अब इसको हम हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे। आप इसी तरह से फ्राई करके मिर्ची को डालिएगा, बहुत ही सुनहरा सा स्टफिंग में टेस्ट इसका आएगा। और ये देखिए, इस तरह से इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा चटपटा सा स्टफिंग जो है बनके तैयार हो गया है। इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर जो हम डो रखे थे रेस्ट पर, डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डो को इस तरह से हाथों से एक बार मसल लेंगे। और इसके बाद डो को हम लेंगे और इसको हम यहाँ पर रख कर इसका हम 2 पार्ट कर लेंगे, यानी कि इक्वल पार्ट में इसको हम बांट देंगे। और 1 पार्ट को हम साइड में रखेंगे और 1 लोई को हम हथेली पर रखकर घुमाते हुए पेड़ा के शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसमें हम सूखा आटा लगा लेंगे और इसके बाद इसे हम बेलेंगे। सूखा आटा लगाकर बेलने से क्या होता है कि ये बेलन में चिपकता नहीं है। तो इसे हम जैसे रोटी बेलते हैं, इस तरह से इसे हम बड़ा सा बेल लेंगे। जितना बड़ा चकला है उतना बड़ा इसे हम बेल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पर इस तरह से 1 ग्लास ले लेंगे। आपके पास कोई कटोरा है इस तरह के तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, जैसे पूरी के लिए हम कट करते हैं ना, उस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। और इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इस तरह से हटा लेंगे और इसको हम लोई बनाकर फिर से बेल लेंगे। और यहाँ पर जो हम चटपटा सा स्टफिंग बनाए हैं उसमें से हम 1 चम्मच लेंगे और इसके ऊपर डाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर स्टफिंग डाल देंगे। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी को इस तरह से उंगली में लगाकर और इसके किनारे पे इस तरह से हम पानी लगा देंगे। और अब हम 1 पूरी को लेंगे और इस स्टफिंग के ऊपर डालकर इसके किनारे को हम इस तरह से उंगली की हेल्प से दबाते हुए अच्छे से चिपका देंगे। इसके किनारे में हम पानी इसीलिए लगाए थे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये लीजिए, 1 नाश्ता को हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और इसी तरह से हम बाकी नाश्ता को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, यानी कि आपको इस तरह का मज़ेदार और चटपटा सा रेसिपी देखना है, तो प्लीज़ जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के मज़ेदार रेसिपी देखने को मिलेगा।
तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ गैस पर हम एक पैन में तेल गर्म होने के लिए पहले से रख दिए थे, तेल गर्म हो चुका है। तो तेल को ज़्यादा नहीं गर्म करना है, बस इतना गर्म करना है कि नाश्ता को डालने पर इसमें हल्का बबल आना चाहिए। तो इस तरह से हम एक एक करके सावधानी से नाश्ता को तेल में डाल देंगे जितना एक बार में आ सकता है। इसे हम इसी तरह से थोड़ी देर पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद यानी कि एक मिनट के बाद इसे हम एक एक करके पलट लेंगे। गैस के फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है। और इसी तरह से इसे हम अलटते पलटते दोनों साइड गोल्डन कलर होने तक यानी कि क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया यानी कि क्रिस्पी हो गया है। तो एक एक करके इसे हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं और इसी तरह से बाकी भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा चटपटा और मज़ेदार सा रेसिपी बनकर तैयार है। आपको मैं तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।